खम्मागणी, स्वागत है आपका जैसलमेर में। तो डे वन की शुरुआत जैसलमेर में हम कर रहे हैं। यहाँ से एक्टिवा लेके, एक्टिवा मैंने शिवा बाइक से ली है और यहाँ से एक्टिवा लेके फटाफट से चलते हैं। एक्टिवा मुझे यहाँ पे 500 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ी है। तो चलिए आज देखते हैं हम जैसलमेर में क्या क्या कवर कर सकते हैं। So right now I am standing inside the Jain Mandir. Jain Mandir बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। जैसलमेर से चलकर मैं पहले बड़ा बाग गया। बड़े बाग में कैमरे और मोबाइल से शूट करने के लिए 150 का चार्ज था, तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। और वहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज़। वहाँ पर आप जाके लगभग आधा पौना घंटा इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ का व्यू ले सकते हैं। बड़ा बाग बेसिकली एक सीनेटॉप है रॉयल फैमिलीज का, तो देखने वाली चीज़ है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे मूवमेंट एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा बाग के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ जैन मंदिर, और यहाँ आपको पत्थर में शिल्पकारी और बहुत ही बेहतरीन निकाशी देखने को मिलेगी। इस मंदिर का निर्माण पटवा सेठ श्री हिम्मत राम जी बाफना जी ने करवाया। सबसे पहले आपको इस मंदिर में दादावाड़ी देखने को मिलेगा। इस मंदिर में आपको सबसे ऊपर पार्श्वनाथ जी का, बीच में काली मूर्ति और सबसे नीचे आदित्यनाथ जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। और इससे बिल्कुल अपोजिट आपको श्री पुंडरीक स्वामी जी का मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर बड़ा ही सुंदर बनाया गया है और मंदिर के अंदर आपको ये वाइट केमिकल देखने को मिलेगा, जिस पे चलने से आपके पैर गर्म नहीं होंगे। कितनी धूप हो, कुछ भी हो, ये ठंडा ही रहेगा। मंदिर के टॉप से आप ये देख सकते हैं, ये अभी तो फिलहाल सूखा पड़ा है, बट ये अमर सागर लेक है। यहाँ पर बारिश के टाइम बहुत पानी भर जाता है, और बीच में आपको ये बावड़ी देखने को मिलेंगी कई सारी। बारिशों में ये बावड़ियां भी कवर हो जाती हैं पानी से। तो अब जैन मंदिर कवर करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। यहाँ पर एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको फ़ोन या कैमरा यूज़ करना है तो आपको 50 रुपीज़ चार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। चलिए चलते हैं। जैन मंदिर से निकलकर मैं जा रहा हूँ कुलधारा विलेज, और रास्ते में आपको ये अमेजिंग व्यू दिखेगा बिल्कुल डेजर्ट के बीच। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़े बड़े विंडमिल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और रास्ता बहुत ही अमेजिंग है, सड़क बहुत अच्छी बनाई गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद आपको ऑथेंटिक राजस्थान की फील आएगी। चलिए चलते हैं कुलधारा विलेज। सो राइट नाउ आई एम इनसाइड दिस हॉन्टेड विलेज कॉल्ड कुलधारा। कुलधारा जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर है। इस गांव के आसपास 84 छोटे गांव बसाए गए थे, वो भी पालीवाल के ब्राह्मणों ने बसाए थे। कुलधारा की स्टोरी कुछ ऐसी है, कहा जाता है कि यहां के राजा के दीवान सालम सिंह का प्रेम प्रसंग एक पालीवाल की लड़की से हो गया था।
और वो उससे शादी करना चाहता था, जो पालीवाल समाज को नामंजूर था। इसके बावजूद सालम सिंह ने जबरदस्ती उस लड़की से शादी करनी चाही। और तभी 4,000 से ज़्यादा लोगों ने ये 84 छोटे गांव छोड़ दिए और यहाँ पर श्राप दिया कि यहाँ पर उसके बाद कोई नहीं बस पाएगा। और कहा जाता है यहाँ बच्चों के खेलने की आवाज़, लेडीज़ के पायल की आवाज़ अक्सर शाम होने के बाद सुनाई देती है। और ये सब होने के बाद ये विलेज बन गया एक टूरिस्ट प्लेस, तो अब यहाँ पर आप सोडा भी पी सकते हैं। और यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है व्हीकल के लिए, अगर आप पैदल आ रहे हैं तो 20 रुपीज़ है। और ये था राजस्थान ऑन बजट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए ट्रैवल स्टोरीज़ को। और एज़ यूजुअल आपको पता ही है ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है ब्लू ओशन वीज़ाज़ प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि आपको हेल्प करते हैं टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, टूर पैकेजेस और करेंसी एक्सचेंज में। तो जैसलमेर में फर्स्ट डे का फर्स्ट हाफ हम ऐसे कवर करेंगे, सेकंड हाफ आप कैसे कवर कर सकते हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।